गुड मॉर्निंग। अज आप फर्स्ट लैसन की रिविजन करांगे। पहले ने ओके शब्दों के अर्थ संग नाल गाथा कथा ज कहानी चंडी दुर्गा देवी जैन तलवार कहा जाता छाबा तकड़ी का एक पलड़ा डूंगी टोकरी साका इतिहास विच वापरी अहम घटना तवारीख इतिहास बीते समय की वार्ता अनख स्वैमान गैरत खंडर डिगी ठड्डी इमारत ज खोले कहा जाता अमर जो मरे ना सदीवी ज चिरंजीव। पहला प्रश्न है इस कविता विच केड़े केड़े देश भगतां दा जिक्र आया है। इहदा उत्तर है इस कविता विच भगत सिंह उधम सिंह करतार सिंह सराबा लाला लाजपत राय आदि देश भगतां दा जिक्र आया है। दूसरा प्रश्न है इस कविता विच देश दी आजादी दे इतिहास नाल संबंधित केड़ियां थावां दा वर्णन है। इहदा उत्तर है इस कविता विच देश दी आजादी दे इतिहास नाल संबंधित थावां हन हल्दी घाटी सोमनाथ मंदिर जिलियांवाला बाग झांसी आदि का नाम है जिहड़ा इह वर्ण कीता गया इहदा नाम दा वर्ण। पहला इह हेठ लिखिया सत्रां दा भाव संपष्ट करो। लहूआं दे संग लिखी गई है अनक तेरी दी लंबी गाथा है प्रसंग काव व्याख्या इहदी प्रसंग इहदा इह काव टोटा पंजाबी पुस्तक विच दर्ज शिव कुमार बटालवी की लिखी हुई कविता जय भारत माता विचों लिया गया है। इस विच कवि शहीदां दे लहू दे नाल भारत दी अनख दी जो कहानी है उस बारे दसदा है। इहदी व्याख्या है असीं भारत माता दी सदा जयकार करदे हां। देश भगतां ने इस दी अनख ते आजादी दी राखी खातर इस तरह अपना खून डोलिया है। उस दी कहानी बहुत लंबी है। फांसी दे फट्टियां उत्ते बैठी तां बारीक पई आके जय भारत माता प्रसंग इहदा इह काव टोटा पंजाबी पुस्तक विच दर्ज शिव कुमार बटालवी दी लिखी हुई कविता जय भारत माता विचों लिया गया है। इस विच कवि शहीदां बारे जिन्हां नूं फांसियां उपर लटका दिता गया सी उहनां दे इतिहास बारे दसदा है। इस दी व्याख्या है भारत माता दी अनख ते इज्जत बचाउण लई लाला लाजपत राय शिवाजी राणा प्रताप ते होर कई फांसी उत्ते झुले उस दे पुत्रां दे कुर्बानियां दित्तियां अजे हन किरलियां ते बहादुर पुत्रां दी माता भारत दी असीं जय जयकार करदे हां। सो असीं अपनी लैसन दी रिविजन तुसीं भी चंगी तरह करनी है। थैंक्स।